हाय एवरीवन, मैं हूँ लवली। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लवली किचन में। आज मैं आपको सूखे मटर के चटपटे छोले बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसे वाइट पीस, ड्राई पीस भी कहते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए हर वीडियो की जानकारी आसानी से आपको मिल सके। तो चलिए सूखे मटर के चटपटे छोले बनाना शुरू करते हैं। सूखे मटर का छोला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मटर लिया है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है पूरी रात भिगो के। और यहाँ पे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इन सबको मैंने रफली कट कर लिया है पेस्ट बनाने के लिए। ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दो लौंग और जावित्री, इन सबको मैं पेस्ट बनाऊँगी। और तड़के के लिए हमें चाहिए तेज़पत्ता, दालचीनी, स्टार और ज़ीरा। और सूखे मसाले में हमें चाहिए धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, छोला मसाला, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा हम काली मिर्च पाउडर लेंगे और हींग, सरसों का तेल और स्वाद के अनुसार नमक लेंगे हम धनिया गार्निश के लिए। तो चलिए हम छोला बनाते हैं। मैंने इसे रात में भिगो के रख दिया था और अभी मैंने इसे अच्छे से धुल लिया है। तो चलिए अब इसे हम बॉईल करते हैं। इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी डाला है। अच्छा, हम बंद कर लेते हैं। गैस ऑन करके हम इसमें हाई फ्लेम पे दो सीटी आने तक हम इसको बॉईल करेंगे। दो सीटी के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए, मटर अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको देखिए निकाल लिया है मटर को। अगर दो सीटी में मटर अच्छे से बॉईल ना हो तो आप एक पिंच बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से बॉईल कर लीजिए दो सीटी और लगा के। तो ये देखिए बॉईल हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए हम इन सब का पेस्ट बना लेते। पहले टमाटर डाल देंगे, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, और इन सबको हम डाल देंगे इसमें। और ज़रा सा हम पानी डालेंगे। तो चलिए हम इसका पेस्ट बनाते हैं। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। तो चलिए हम गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लेते हैं। कढ़ाई गरम हो चुका है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल लिया है। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे, खड़े मसाले, और थोड़ा सा हम इसे भून लेंगे। अब हम इसमें हींग डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे जो मैंने सब मिक्स करके बनाया था। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों को हम लगातार चलाएंगे और इसको हम
तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, ये सब मैंने एक एक चम्मच लिया है, छोला मसाला, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, इसको मैंने बस एक चुटकी लिया है और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो पे ही रखेंगे मिक्स करते समय। और इसको हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। मसाले बहुत ही ज़्यादा छिटक रहे थे तो आप इसे ढक के पका सकते हैं। देखिए ये अच्छे से मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें मटर डाल देते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मटर को हमें करीबन एक मिनट तक इसे भूनना है। हमें ऐसे ही गैस का फ्लेम हम मीडियम पे कर देंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मैंने एक चम्मच नमक डाला इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। भूनते हुए करीबन एक मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें जिससे मटर लिया था उस बाउल से हम एक बार पानी डाल देते हैं। इसको आपको जितनी ग्रेवी चाहिए इसमें आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक के 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे। इसको हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए और इसे हम पकाएंगे। तो ये देखिए छोला बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसको हम ढक देते हैं कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद हम प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए गर्मा गर्म सूखे मटर के छोले बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसे राइस, पूरी, पराठे, भटूरे के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें आप नींबू, टमाटर, धनिया और भुजिया मिला के एज अ चाट की तरह भी खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
कि आपको मटर के छोले की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए हर वीडियो की जानकारी आसानी से आपको मिल सके। थैंक यू।